तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज हम हमारे कुछ सेटअप देखने वाले, तो चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं अभी चार्ट पे क्या कर रहा हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट लगाया। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर जो ऐड करेंगे तो वो रहेगा हमारा वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे स्टोकेस्टिक्स, एंड उसके बाद आता है हमारा MACD। तो सबसे पहले हम देखो अभी मैं पहले आपको एक वॉल्यूम का वॉल्यूम समझा देता हूँ कि वॉल्यूम क्या काम करता है। देखिए अब यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लगाया, तो जैसे कि देखिए अब ये जो वॉल्यूम के आसपास जो एक लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, वो है 20 डेज का जो एवरेज है। यहाँ पे देखिए जो मूवी एवरेज की जो लेंथ है वो रहेगी 20, यानी ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है आपको, तो इसकी इसकी जो इंटेंसिटी है वो 20 डेज के जो पिछला 20 डेज का जो एवरेज निकल के आता है, तो उसके ऊपर उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे तय होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अब देखिए कुछ जगह पे जो वॉल्यूम है वो इस लाइन के नीचे है, यानी ये वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी कम है, ठीक है। सो इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है, एंड अगर कुछ जगह पे देखते हो तो वहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वो मूविंग एवरेज जो मतलब ये जो लाइन है उसके ऊपर, यानी वहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो जब भी वॉल्यूम अच्छा होता है तो उस कैंडल का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। अगर ग्रीन कैंडल मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इंटेंसिटी यानी जो वॉल्यूम बढ़ रहा है मार्केट में, यानी जो बायर सेलर्स यहाँ पे जो जो भी मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे वो जेन्युइन है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ये फेक है, बस इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम कम है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए बहुत बहुत बार क्या होता है कि आप आपको कुछ ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप वहाँ पे ब्रेकआउट को ट्रेड करने जाते हैं, तो फिर आपको बाद में पता चलता है कि वो फेक ब्रेकआउट था। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम देखा ही नहीं। अब हो सकता है वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम हो, तो हो सकता है कि वो जो ब्रेकआउट था वो फेल हो जाए, यानी ब्रेकआउट फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम था ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ जगह पे आपको वॉल्यूम बहुत ही अच्छा मिलेगा, कुछ जगह पे बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देखते हो तो भी आपको तो फिर आपको एक समझने में थोड़ी आसानी देगी। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, एंड उसका वॉल्यूम बहुत ही अच्छा इस जगह पे, एंड फिर इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बायस एग्रेसिव है, ठीक है। तो जब भी मार्केट देखिए ऊपर जाता रहा यहाँ तक मार्केट गए, एंड जो वॉल्यूम भी था वो अबव एवरेज था, यानी जो एवरेज की लाइन है उसके ऊपर ही वॉल्यूम, इसका मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। अभी हम जो दूसरी इंडिकेटर्स रहेंगे हमारी वो हम जब देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि मैं उसमें क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला हमारा इंडिकेटर आता है वो है RSI। तो RSI जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो यहाँ पे देखिए जो अपर लिमिट है उसको हम यहाँ पे कर देंगे ग्रीन, एंड जो हमारा ये रहेगा जो प्राइस लाइन रहेगी एंड जो वैल्यू रहेगी हमारी वो रहेगी अपर बैंड की 60 रहेगी, एंड जो लोअर लिमिट है लोअर जो लाइन है उसको हम रेड कलर देंगे, एंड जो लोअर लिमिट रहेगा वो रहेगा 40 का। ओके कर देना है। यहाँ पे जो लाइन है वो अभी मैं स्ट्रेट कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। एंड जो सेकंड इंडिकेटर है हमारा वहाँ पे भी देखिए हमें कुछ चेंजेस करने, जिसकी लेंथ है हमें एज इट इज रखनी है, जो स्मूथ रहेगा के वाला उसको हम करेंगे 3, एंड स्मूथ डी वो भी एज इट इज 3 रहेगा, यानी 14 3 3। एंड हम जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है MACD एक ट्रेंड इंडिकेटर है, ठीक है। तो MACD हमें ट्रेंड दिखाता है, तो यहाँ पे मैंने क्या कि जो फास्ट लेंथ है उसकी वो रहेगी 13, एंड स्लो लेंथ रहेगी वो रहेगी 26, एंड सोर्स हमें क्लोज ही रखना है क्योंकि हम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर काम करते हैं। वहाँ पे हम बाकी कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। तो फिर एक बार समझा देता हूँ, RSI 60-40, स्टोकेस्टिक 14-3-3, देखिए 14-3-3, एंड MACD 13-26, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमें एक स्टॉक का ये देख लेते हैं मेजर ट्रेंड क्या है, क्योंकि हमें इंडिकेटर्स भी उसके साथ चेक करने।
तो देखिए ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट मतलब जब से स्टॉक ने लिस्ट हुआ है मार्केट में तब से कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है, यानी एक अच्छी तरीके का स्टॉक है। इस तरह मैंने आपको समझाया था गुड स्टॉक बैड स्टॉक, तो उसी के कैटेगरी में ये गुड स्टॉक में आता है। अभी हम एमएसईडी देख लेते हैं कि एमएसईडी भी कैसे किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे एमएसईडी भी देखिएगा जैसे मार्केट जहाँ उसके साथ कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी अच्छे लेवल का मतलब अच्छा एक बहुत ही अच्छे लेवल का स्टॉक है ये। स्टॉकेस्टिक का काम क्या था, स्टॉकेस्टिक में एक मोमेंटम हमें दिखाता है स्टॉक में किस तरीके का मोमेंटम जनरेट हो रहा है अभी। ठीक है अभी हम कुछ देख लेते एग्जाम्पल्स देख लेते, तो उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हमें ये स्टॉक किस तरीके से यूज करें। ठीक है तो अब देखिए अगर मंथली में अगर ट्रेंड अप है इसका मतलब अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए मंथली में अगर यहाँ पे ट्रेंड अप हो तो हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो वहाँ पे हम जो हमारा स्टॉकेस्टिक रहेगा अगर एमएसएलडी हम मंथली में देखते हैं तो हम स्टॉकेस्टिक किस में देखेंगे, स्टॉकेस्टिक हम देखेंगे वीकली में। ठीक है एंड अगर हमारा एमएसएलडी हम वीकली में देख रहे हैं तो फिर हम जो स्टॉकेस्टिक देखेंगे वो देखेंगे डेली में। क्यों, क्योंकि हम हमेशा हायर ट्रेंड को फॉलो करते हैं अगर एंड जो एंड एमएससीडी ट्रेंड दिखाने का काम करता है। सो एमएससीडी को हम फॉलो करेंगे क्योंकि एमएससीडी ट्रेंड दिखाता है एंड मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, उसके मोमेंटम के लिए हम स्टोकेस्टिक यूज़ करेंगे एंड आरएसआई यूज़ करेंगे। एंड अगर हम डेली में अगर एमएससीडी देख रहे हैं क्योंकि हम इंटरडे प्लेयर भी है, ठीक है हमें इंटरडे ट्रेडिंग भी करनी होती है, सो हम क्या करेंगे अगर डेली में एमएससीडी अगर डेली में अप है, ठीक है अगर डेली एमएसडी अप है तो हम ये किस स्टॉकेस्टिक हम किस टाइम फ्रेम में देखेंगे, स्टॉकेस्टिक हम देखेंगे 1 आवर में, सॉरी या स्टॉकेस्टिक हम 1 आवर में देखेंगे, यानी एमएसडी 1 डेली का है तो स्टॉकेस्टिक हम 1 आवर में देखेंगे। अगर 1 आवर में एमएसडी हम देख रहे हैं तो फिर हम जो अगर 1 आवर में हम अब देखिए 1 आवर में अगर स्टॉकेस्टिक डाउन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब है 1 आवर का जो मेजर ट्रेंड है तो इंट्राडे का ट्रेंड है वो अभी क्या दिखा रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या है, अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, अब फिर ऊपर जाने के बाद ये हो सकता है ऐसे नीचे जाएगा। क्यों, कि मैंने किस तरीके से अंदाज़ा लगाया, क्योंकि हमें डाउ थ्योरी पता है, मैंने आपको डाउ थ्योरी सिखाई भी थी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब लोअर हाई बनने के बाद हो सकता है मार्केट अप नया लोअर लो बनाए, ठीक है क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। एंड अगर हम ट्रेंड की भी बात करें, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो भी देखिए इसका मतलब इसके ऊपर मार्केट अभी क्लोज दे नहीं रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस यानी ये जो ट्रेंड है उसके आसपास मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी देखिए अब यहाँ पे जो एमएससीडी का ट्रेंड है वो अभी थोड़ा सा अप दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट एमएससीडी डेली में अप है लेकिन ये जो इसकी जो जीरो लाइन है उसके नीचे है, यानी मोमेंटम मार्केट लूज कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट अप है या फिर यहाँ पे भी डाउन सिग्नल दिखा था लेकिन मार्केट इस जीरो लाइन के ऊपर था, इसका मतलब मार्केट में अभी मोमेंटम था यानी अप जाने के चांसेस थे। अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया यानी एमएसडी ने यहाँ पे क्या किया है, इस जीरो लाइन के नीचे हमें एक बाय सिग्नल यानी थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया, लेकिन मेजर ट्रेंड अभी इसका क्या है, तो वो हम देखेंगे वीकली में। वीकली में देखिए बहुत बड़े लेवल का डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर हम मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हम मान लो इसका ये 1 मंथ का ट्रेंड क्या अभी एशियन पेंट का वो अभी चल रहा है अप ही चल रहा है, एंड अगर हम इसको हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम यहाँ पे स्टॉकेस्टिक देखेंगे वीकली में, यानी वीकली का ट्रेंड अभी डाउन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों के कॉम्बिनेशन में ट्रेड करेंगे। अब मंथली दिखा रहा है हमें अप लेकिन वीकली हमारा जो स्टॉकेस्टिक हमें वो दिखा रहा है वो अभी सेल दिखा रहा है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर ट्रेंड अप है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे, वीकली में हम एमएसडी देखेंगे, देखिए वीकली का एमएसडी डाउन है
हम अभी स्टॉकेस्टिक जो देखेंगे वो हम देखेंगे डेली में। अब स्टॉकेस्टिक मैंने लगा लिया, अब यहाँ पे हम जाएंगे डेली में, यानी इसका मतलब क्या है कि वीकली ट्रेंड अप है, लेकिन अभी मार्केट एक बाउंस लेने के थोड़ा सा बाउंस लेने के बाद अभी थोड़ा सा अप है, यानी मार्केट यहाँ पे जाने के बाद फिर से नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि वीकली ट्रेंड जो है वो अभी डाउन हो चुका है एंड डेली में बस एक बाउंस मिला भी, यानी अब हमें अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो भी बाउंस मिलता है हम उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यानी हमें डेली टाइम फ्रेम में अभी जितने भी बाउंस मिलेंगे हम उसको शॉर्ट करेंगे। तो अभी हम डेली में भी देख लेते हैं, उसी तरीके से हम डेली में देख लेंगे। अब डेली का ट्रेंड जो है एमएसडी का वो थोड़ा सा अप दिखा रहा है एंड अभी हम स्टोकेस्टिक देख लेते हैं 1 आवर में, इसका मतलब 1 आवर अभी थोड़ा डाउन, यानी अभी हमें जहाँ पे जो भी मिलेगा। अब डेली का जो हमारा एमएसडी का ट्रेंड है वो अभी थोड़ा सा अप चल रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, यानी जो एशियन पेट है वो भी थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद हो सकता है यहाँ तक जाए, क्योंकि हमें देखिए जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता प्रीवियस हाई, देखिए यहाँ पे हायर लो, सॉरी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चली ना, यानी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यानी जब तक ये लो नहीं जाता, मतलब ये जब तक ये हाई नहीं जाता तब तक डाउन थ्योरी हमारी कंटिन्यू रह सकती है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आने के बाद, ऐसे आने के बाद अब यहाँ पे मार्केट ने नीचे गया था, फिर हो सकता है मार्केट यहाँ तक ऊपर जाए और फिर वहाँ से नीचे आएगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन ने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे है इस जगह पे मार्केट ने भी सपोर्ट लिया, यानी हो सकता है मार्केट अब थोड़ा ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि डेली में अभी थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो अप साइड में जनरेट हो रहा है। मैं आपको एक उसका स्लाइड भी आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसका। अभी बस आप इंडिकेटर समझ लीजिए, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको वो जो डेली एंड वीकली का जो हम ये यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी बस आप समझ लीजिए कि हम किस तरीके से यूज करते हैं। हम मेजर ट्रेंड को फॉलो करने के बाद जो लोअर टाइम फ्रेम रहता है वो उसमें हम मोमेंटम के साथ ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। यानी हम ट्रेडिंग ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करते हैं। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया कि मंथली में हम देखेंगे एमएसडी मंथली ट्रेंड, हम मेजर ट्रेंड, मैंने आपको क्या कहा कि हम मेजर ट्रेंड देखते हैं हमेशा मंथली। अगर मंथली में हम एमएसडी यूज़ करें तो फिर हम वीकली में देखेंगे स्टोकेस्टिक, अगर वीकली में एमएसडी देख रहे हैं तो हम स्टोकेस्टिक देखेंगे डेली में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हम मान लो अगर हम डेली में एमएसडी देख रहे हैं तो फिर हम उसके नीचे के ट्रेंड में जाएंगे, यानी 1 आवर में हम स्टोकेस्टिक देखेंगे। अब मान लो हम 1 आवर में एमएसडी देख रहे हैं, देखिए 1 आवर का ट्रेंड क्या है अभी यहाँ पे डाउन, एमएसडी क्या है एक ट्रेंड इंडिकेटर है, अभी एमएसडी क्या दिखा रहा है डाउन साइड दिखा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टोकेस्टिक हम अभी हम देखेंगे 15 मिनट में, तो यहाँ पे भी देखिए डाउन ट्रेंड है, यानी दोनों चीज़ें हमारे फेवर में थी, यानी हम यहाँ पे अच्छी फुल क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिल गया है यहाँ पे किस लेवल, यानी 2400 के आसपास मिल गया। तो उसके बाद मार्केट देखिए इंटरडे में 30 यानी करीब करीब वो 15 एंड ये यानी 25 से 30 रुपए की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसके साथ मोमेंटम हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उस वीडियो में मैं आपको वो शीट भी शेयर करूंगा सो दैट आपको और आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।